हेलो गाइस, कैसे हो? आज का नया वीडियो लेके तो गाइस आज मैं जा रहा हूँ जोरजोपोल में। और भाई इस वाले गेम में ना बहुत सारी क्लचेस है, मजा आएगा तुम्हें देख के। और एंडिंग तो भाई खतरनाक है, वो तो बिल्कुल देखना। और ये वाला गेम सोलो वर्सेस स्क्वाड है, तो यार अगेन हम सोलो वर्सेस स्क्वाड में आ चुके हैं वापस। तो भाई उतरते के साथ ही मिलती है स्कारल, थोड़ी बहुत और लूट करता हूं। बंदे दिखते हैं, लपेटते हैं। यहाँ पे एक बंदे इधर आकर चुके थे, शायद से बेचारे को गंदी मिली थी, पता नहीं क्या सीन था, इतना डर रहा था। तो यहाँ पे गाइस को भी खत्म करता हूँ और फिर देखता हूँ और बंदों को। यहाँ पे इसका किल चुराया किसी का, तो वो किलस चुका होगा, सामने उसके फुटस्टेप्स आ चुके हैं। बंदा पीछे भागने लगता है, लेकिन लपेट देता हूं इसे भी। और फिर कह जाते हैं सामने से फुटस्टेप्स, बंदा आ चुका था डब्बे के पीछे, रोक करा इसे। बोट मेरा किल चुराने वाला था, लेकिन भाई मैं आगे खत्म कर देता हूं इसे फटाफट। और एक बंदे के फुटस्टेप्स आ रहे हैं, भाई वो ऊपर चढ़ रहा है क्रेन पे, तो देखेंगे उसे भी। लेकिन सामने से एक बंदे के फुटस्टेप्स आते हैं, यहां पे इसको खत्म करता हूं, लेकिन ऊपर वाले से मेरी फाइट चलेगी बड़ी लंबी। और फाइनली इस वाले बंदे को मैं खत्म करता हूँ, क्योंकि भाई कोई और फायरिंग करने लगा था, इसका ध्यान उधर की तरफ जाता है और मैं पीछे से लपेट देता हूँ इसे। लेकिन वो वाले बंदे मेरे ऊपर रश मार रहे थे, क्योंकि उन्होंने भाई फायरिंग की आवाज़ सुन ली होगी, तो देखते हैं इन्हें भी। यहाँ पे गाइस इनको मैं खत्म कर देता हूँ, लेकिन भाई एक और फुटस्टेप्स आते हैं। और भाई मेरे को लगता है नई वाली अपडेट में बजमी वालों ने बोट के फुटस्टेप्स आदमी जैसे कर दिए हैं ना, बिल्कुल ऐसा लग रहा है असली बंदा हो कोई। तो गाइस आईपीएल तो जा चुका है, जो कि हमने भाई एक ही सांस में देख लिया था, लेकिन ये दुखी होने की बात नहीं है, क्योंकि जून हमारे लिए लाया बहुत सारे क्रिकेट मैचेस, जिसके लिए 1xBet की सर्विस काफी अच्छी है। सब कुछ काफी आसान है इसमें, बैटिंग लाइन इंटरफेस और पैसों को निकालना भी। यहाँ पे तुम गेम का स्कोर प्रिडिक्ट करके पैसा जीत सकते हो। और गाइस अगर रजिस्टर के टाइम आप मेरा प्रोमो कोड यूज करोगे, जो कि MRHINDI100, जो कि आपको पिन कमेंट में मिल जाएगा, तो आपको अपने फर्स्ट डिपॉजिट पे 26,000 तक का बोनस सकता है। तो गाइस ये काफी अच्छा तरीका पैसे जीतने का, लिंक मिल जाएगा आपको पिन कमेंट में, वहां पे जाकर आप इसे चेकआउट कर सकते हो। फिर यहाँ पे गाइस आता हूँ कोचिंग की में और फुटस्टेप्स आ चुके थे, रोकता हूँ गाड़ी। खत्म करा और भाई दूसरा वाला जो इसका बंदा था वो था ट्रिपल स्टोरी में, उसके फुटस्टेप मेरे को जब भी आ गए थे जब मैं गाड़ी से आया था, और अभी उसे घिसड़ने की आवाज आ रही थी लेट के, जैसे भाई कर्तव्य कर रहा हूं, तो मार दूं इस पे भी रश। और इसको भी खत्म कर देता हूं।
फिर यहाँ पे गाइस जोन बन चुकी थी, जोन में आता हूँ। यहाँ पे दिखते डासिया खड़ी थी और डासिया खड़ी तो भाई बंदे होने के चांस थे, तो मैं घुमाता हूँ यहाँ पे गाड़ी। आ चुके थे फुटस्टेप्स, तो नेड मोली करते हैं पहले। यहाँ पे मैं घुस जाता हूँ। फिर यहाँ पे गाइस बंदों के लिए मैं भटक रहा था और भाई सामने से गाड़ी आती दिखती है। मेरे को लगा भाई फुल स्क्वाड होगी शायद से, हल्का सा मैं डिस्टेंस बनाता हूँ, लेकिन ये वाला बंदा देखो कितना ही प्रो था, मतलब भाई क्या ही जुगाड़ लगाएगा। अभी देखते जाओ भाई, सीट चेंज वाला काम यूजी से नहीं होता, यूजी नहीं बनी इतने लंबे डिस्टेंस के लिए। यहाँ बंदा सांप बन चुका था और इसको भी पता था कि इसके साथ क्या ही होने वाला है, इसलिए ये इतना डर गया था। और मैं नेड फेंक देता हूँ जिससे कि बंदा मतलब फटता ही, या तो मेरी गोली से मरता या फिर नेड से फटता। फिर यहाँ पे गाइस जोन बन चुकी थी, तो जोन में आता हूँ ब्रिज क्रॉस करके। ब्रिज पे कोई कैम नहीं मारा था, अच्छी बात थी, नहीं तो भाई दिक्कत हो सकती थी। और यहाँ पे मैं आता हूँ, गाड़ी खड़ी थी और बंदे के फुटस्टेप्स आने लगे थे जो मेरे आस पास ही है, और एक कहीं दूर जो कि भाई फायरिंग कर रहा है गैस स्टेशन के पास से, देखूंगा उसे भी। यहाँ पे इसको डैमेज दिया हल्का सा, लेकिन इसका टीममेट अब रश मार देगा मेरे पे। पूरा खत्म करता हूँ, प्रोन इसलिए हो गया था क्योंकि भाई मैंने चारा वो पीछे से धप्पा कर देता मेरे को, तो यहाँ पे फाइनली इसको भी खत्म कर देता हूँ, थोड़ी बहुत हेल्थ खाता है मेरी। फिर यहाँ पे गाइस जोन में आ चुका था मैं, काफी कम बंदे लाइव थे और भाई एक बंदा टावर से एएमआर चलाने लगा था, तो भाई देखते हैं इसे। इसको भी खत्म कर देता हूँ, जाता हूँ इसकी एएमआर लेने। और हर कसम मेरे को डर था लेकिन, क्योंकि यहाँ पे जहाँ पे मैं चढ़ रहा हूँ अब बंदों ने फायरिंग की आवाज़ तो सुनी ली, तो सबका ध्यान मेरे ऊपर ही होगा बिल्कुल। और यहाँ पे एक बंदा दिख जाता है मेरे को, ऊपर से देखो सांपों की तो कोई जिंदगी है ही नहीं, मतलब ऊपर से तुम इतने मजे में देखते हो ना जिससे वो हद नहीं है, मतलब जितना तुम हाई ग्राउंड पे होगे उतने ही तुम्हें आसानी से सांप दिखते हैं। मतलब अगर तुम्हें पता है ना कोई सामने टावर वावर पे चढ़ के बैठा है, भाई सांप मत बनो चाहे कुछ हो जाए। फिर यहाँ पे हरामखोर लास्ट टाइम पे मतलब मुड़ जाता है, बिल्कुल लास्ट टाइम, और चार गोली थी मेरे पे, चारों चलाता हूँ, एक बॉडी शॉट ही लग पाता है, किस्मत ख़राब थी। फिर यहाँ पे कैसे घुसता हूँ इसके ऊपर, क्योंकि भाई जोन में बन चुकी थी, कोई और चारा नहीं था, और अपनी एक एम वापस लेता हूँ भाई। एम आर यार इसलिए बुरी है, इसका थोड़ा एमओ से कम मिलते हैं। यहाँ पे कैसे मैं जा रहा था अपनी गाड़ी लेके इस पर रश मारने, लेकिन बंदा फायरिंग देने की कोशिश करता है लेकिन लगती नहीं मेरे पे। यहाँ पे कैसे मैं रिच पा चुका था, यहाँ पे जोन थी, क्योंकि मेरा प्लान था थोड़ा दूर से लपेटे, क्योंकि भाई दो बंदे लाइव थे, मेरे को नहीं पता वो दूसरा कहाँ है, तो इसलिए मैं रश तो बिल्कुल नहीं मार रहा। और इतने में भाई साइड में इतना हरामी मतलब सांप बिल्कुल मेरे साइड में आके लेटा है। यहाँ पे कैसे मेरी हेल्थ काफी खा जाता, बस बचा मैं, मतलब एक गोली और लगती मैं मर गया था। मतलब यहाँ पे सबसे पहले तो मैं स्मोक करता हूँ, फिर फर्स्ट एड मारता हूँ। स्मोक इसलिए करा जिससे कि यार बंदा झिझ के मतलब एकदम रश ना मारे, और अगर आ भी जाए तो मैं दिखूँ ना। यहाँ पे बंदा नेड वेड फेंकता थोड़े, और वो बंदा इस बंदे में फायरिंग नहीं कर रहा, तो भाई ये तो पक्का होगा कि उसका टीममेट है। मतलब ये बंदे मेरे को घेरना चाह रहे थे, एक बंदा यहाँ से आ रहा है, एक उधर से मतलब फायरिंग दे रहा होगा। कह रहे हैं भाई इसको थोड़ा सा देते हैं एक हेडशॉट और फिर इसके टीममेट पर रश मारता हूँ।
कंधे पे ग्रोजा थी तो थोड़ा सा मेरे को डर लग रहा था, क्योंकि भाई ग्रोजा तुम्हें पता है यार, मतलब सेकंड में मार देती है, मतलब कई बार रिएक्ट करने का मौका भी नहीं मिलता, लेकिन भाई यहाँ मैं मार देता हूँ मैं से। और लास्ट बंदा बचा तो भाई लपेटते हैं से भी, और वैसे भी जोन बन चुकी थी, जाना तो मेरे को था ही। और यहाँ पे गाड़ी भाई क्यों क्यों ऐसे दुखी कर रही है, मतलब यह मरवाना चाह रही थी मेरे को। अब मेरे को लगा था बंदा होगा सामने, मैं स्मोक करके मतलब घुसने की सोच रहा था कि भाई स्मोक इसलिए कर दूं जिससे भाई नागिन वागिन डस ना ले मेरे को, लेकिन था भाई यहाँ पे साइड में भाई सांप बना पड़ा था। अच्छा मैं उस रिज के कवर में था, नहीं तो भाई बहुत गंदा डस्ट था। खैर गाइस आज वाली वीडियो में अगर आपको वीडियो मजा आया तो भाई लाइक मार दो, चैनल को कर दो सब्सक्राइब। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वाली वीडियो में।